नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं संडे मन की बात एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, अगर टॉपिक की बात करी जाए तो आज का कोई टॉपिक है कि नहीं वो पता चल जाएगा आपको, लेकिन मेरा भाई आप सभी लोग से कंप्लेन है। जो पिछली संडे मन की बात मैंने वीडियो डाली थी उसमें लगभग 30 या 35 व्यूज हो चुके हैं, लेकिन अगर कमेंट्स की बात करी जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कमेंट करो, किसी का कमेंट नहीं आता है। एक दो कमेंट शायद होंगे, तो भाई आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? आपको क्या लग रहा है, वहां पर वीडियो व्यू कर रहे हो, लाइक कर दो, कमेंट करो, कुछ कमेंट करो यार, कैसे होगा? करो कमेंट करो। सॉरी ज्यादा हो गया दोस्तों। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे मेरा, तो वहां पे लिखा हुआ है कबड्डी, क्रिकेट, आईपीएल, इधर लिखा हुआ है हॉकी, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस फील्ड से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये फील्ड है वो है स्पोर्ट्स। उसके बारे में क्या बोलूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज ये रिक्वेस्ट है, बीच में मत छोड़िएगा। जब आपने स्टार्ट किया है तो पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जो नेशनल गेम है स्पोर्ट्स, वो है हॉकी, लेकिन कुछ कारणवश हॉकी को उतना प्रमोट नहीं कर पाते, या फिर वो चाहे हमारा सपोर्ट हो, ऑडियंस का सपोर्ट हो, जो उन खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर अंदर की बात क्या है उसके बारे में। दोस्तों, हॉकी को हम लोग की तरफ से उतना चीयर अप नहीं मिलता है, चाहे अगर आप क्रिकेट मैच देखें और हॉकी का मैच देखें, अगर आप ग्राउंड में ऑडियंस की संख्या देखेंगे तो क्रिकेट के स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ रहेगा, लेकिन हॉकी के स्टेडियम में उतनी भीड़ आपको नहीं दिखेगी। तो यही कहीं ना कहीं कारण है कि हम अपने खिलाड़ियों को चीयर अप नहीं कर पाते हैं, इसलिए गेम शायद पीछे हो रहा है, और बाकी बात अंदर की क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, काफी सालों से या जब से मैं देख रहा हूँ तब से क्रिकेट एक बहुत ही फेवरेट गेम होता जा रहा है, चाहे वो बच्चे गली में खेले या इंटरनेशनली। इंडिया में जब भी क्रिकेट होता है तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पर होता है, चाहे आप देखें कि इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप लिफ्ट करे, या चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का जीते, या 2007 का जो ट्रिनिटी वर्ल्ड कप था वो जीते, एक जश्न की तरह सेलिब्रेट हुआ हमारे कंट्री में। तो बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा गेम आया है जिसने क्रिकेट की तरह ही अपना एक नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कबड्डी की। दोस्तों, आज के दिन जो कबड्डी चल रहा है, प्रो कबड्डी, वो पूरी तरह से फेमस हो चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड भी हो चुका होगा। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी गेम लगती है दोस्तों ऑडियंस के नजरिए से, वहां भी भीड़ काफी आपको दिखेगी ऑडियंस में, और खिलाड़ियों को भी काफी लोग जानते हैं। अगर आपसे मैं कोई हॉकी प्लेयर के खिलाड़ी को नाम पूछूं कि भाई अगर एक दो खिलाड़ी का नाम बताइए, तो शायद आप नहीं बता पाए, शायद आप क्या बताएं, मुझे भी हॉकी के बारे में नहीं पता। लेकिन आपसे अगर क्रिकेट की बात किया जाए कि हाँ, तो सब लोग विराट कोहली, MS धोनी को जानते होंगे। और ऐसे में अगर आपसे कबड्डी का बात पूछा जाए, भाई कबड्डी का प्लेयर का नाम बताइए, तो आपके जुबान से शायद बहुत सारे नाम निकल जाएंगे, और शायद आप अगर प्रो कबड्डी देख रहे होंगे, देखते हैं, तो आपका उनमें से कोई फेवरेट टीम होगा, कोई फेवरेट प्लेयर होगा, आप सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज की बात जो मेरे मन में था, क्यों भाई आप हम एक स्पोर्ट को इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे जो हमारा नेशनल गेम है, और बाकी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरी भी है, क्योंकि कुछ ना सारी चीजों का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होती है। दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज है संडे, और ऐसे में आज इंडिया का मैच है, इंडिया वर्सेज श्रीलंका, और प्रो कबड्डी तो खैर चल ही रहा है, तो ऐसे में आप कौन सा गेम देखोगे, इंटरेस्ट है आपका उसमें, मुझे नीचे कमेंट जरूर करना, और भाई कमेंट करना छोड़ो। तो अगर आप प्रो कबड्डी के फैन हो, तो प्रो कबड्डी में आप कौन से टीम को चीयर कर रहे हो, या फिर आपका कौन सा फेवरेट गेम है, या आप क्रिकेट में, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट है, या किसी प्लेयर में, किसी भी गेम में इंटरेस्ट है सॉरी, तो आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है उसके बारे में बताइए, और अगर कबड्डी के फैन है तो अपना फेवरेट प्लेयर, अपना फेवरेट टीम के बारे में बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और साथ ही साथ शेयर भी कर दो, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर संडे आप मेरी मन की बात को सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, कमेंट जरूर करो कि अगले संडे की क्या टॉपिक होनी चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग है भाई, कोई मशीन नहीं है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, और ऐसे में क्या टॉपिक होना चाहिए कोई दिमाग में आता नहीं है। और खासकर संडे की अगर बात कही जाए, तो मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं बोलता हूँ, मैं कोई सोच के, मतलब मैं कोई लिख के लेके नहीं आया हूँ, या उसको रट रहा हूँ और बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, और ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब, तो आप इस बात को समझते होंगे। दोस्तों, बस यही थी मेरी आज की बात। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू।
वेरी मच, आपका दिन अच्छा हो।